और यहाँ पर लाइट का भी प्रबंध का आपने काफी देखा होगा, कभी कभी लाइट की काफी समस्या आती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको पहले से बताया कि जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है, समस्याओं का अंबार, मतलब लोगों को फ्री रहने की हमारी आदत हो गई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली नहीं जाती थी, कोई पानी की दिक्कत नहीं होती थी, कोई स्ट्रीट लाइट्स में दिक्कत नहीं होती थी, कोई किसी कोई सड़कें बनाने में, गलियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी और लोग खुशहाल थे, व्यापार भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब से ये सरकार आई है अस्तित्व में, लोगों के जैसे समस्याओं का अंबार ही लग गया और समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब यही समय है लोगों को अपना जो ये नशे में जो चूर है, सत्ता के नशे में जो चूर है, इनका तख्ता पलटने का यही समय है और लोग अपने आप को इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। अभी आप देख भी रहे हो तो जो राज्यों के जो आपके चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जनता, पूरे देश की जनता इससे तरस्त है, परेशान है। मैम, ये जो एलिवेटेड पुल जो बनाया गया है यहाँ पर, इसमें काफी समस्या आ रही है, क्योंकि नीचे जो दुकान है उनका कारोबार में भी कमी आई है। मैम, बिल्कुल, के बारे में क्या कहोगे मैम आप? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, इसके अंदर मंत्री जी ने ये कहा था कि किसी भी दुकानदार का, किसी भी मकान मालिक का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जितनी बार लोग गए, 8-10 महीने हो गए हैं लोगों को चक्कर काटते काटते, कोई सिर्फ एक कोरा आश्वासन मिला, कभी कोई मैप, कोई नक्शा नहीं दिखाया गया, कोई कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताते गए नहीं बढ़िया है, रास्ता भी मिलेगा आपको और किसी की एक इंच की भी जो कोई दुकान या मकान तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज आप जाके देखें तो उनकी जो मकान और दुकानें हैं उनके जो उनके ऊपर एक नोटिस चस्पा किया जा रहा है कि भाई इतना समय दिया जा रहा है आपको, इसके बाद को तोड़ दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि वो दुकानदार कहाँ जाएँ, वो दुकानदार जो 40-40 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएँ, उनको रोटी कौन देगा, उनका क्या किया जाएगा? दूसरी बात ये आ रही है सामने, अभी सुनने में ये आया था कि ये लोग इसको मुआवजा देंगे, दुकानें देंगे, मुआवजा देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि एक तरफ से इसको नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से इसको ये कहा जा रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे अपना कब्जा हटा रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार ये भी सोचे ना, उन्होंने उसके लिए क्या किया, क्या सोचा? ना तो आपने लोगों से कोई सलाह मशवरा किया कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का जो है व्यवसाय वो खत्म कर दिया है, लोग परेशान हो पड़े हैं कि उनका जो एक घर का चूल्हा जलता था वो कैसे जलेगा। मैम, एक बार आप ये और बताना, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता एज अ MC जो रहेगी वो सबसे बड़ी है पानी, उसके बाद सीवेज, उसके बाद है सफाई, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें, गलियां, पेंशन सड़क, जो भी हमारे हाथ के काम है, जो काम हम बना सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं, वो सभी काम। क्योंकि दिखाई दे रहे हैं कि लोग बड़े ही परेशान में पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा, चाहे पेंशन हैं, चाहे डिपो होल्डर्स हैं जो इनको राश देते हैं। आजकल ये सिस्टम बना दिया कि आपके एक मशीन लगेगी, मशीन के ऊपर अगर आपका अंगूठा आता है तब आपको मिलता है, लेकिन आप ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे। अच्छा मैम, एक बताओ, जैसे अब हमारे बैंक में बुढ़ापे को जो पेंशन मिलती है, हमारे बुढ़ापे लिए बूढ़ा आदमी कम से कम 80 एज के ऊपर गए, वो बैंक पर नहीं पहुँच सकता, तो आप इसके लिए क्या कहोगे? ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है कि शुरू में जब ये सरकार जब आई थी, इन्होंने बैंक का सिस्टम किया था, तो बहुत इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था कि जो बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो लोग विकलांग हैं, उनको पेंशन घर जाके देंगे। उन्होंने फोटो भी खिंचवाए थे ऐसे कि भाई देखो, समाज कल्याण का अधिकारी पेंशन देता हुआ, कर्मचारी पेंशन देता हुआ, लेकिन वो सिर्फ फोटो वाले ही बातें थी, अखबारी बातें थी। धरातल पे जाके देखो तो लोग इतने परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं, उनका दुख है जो वो देखा भी नहीं जाता, इतने परेशान हैं। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो उठ भी नहीं सकते, उनको उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि सरकार की तरफ से ये लोग बड़े खुश हैं, कि पहले समय होता था कोई भी आ जाता था घर का, हम लोग उनको पेंशन दे देते थे, हमें पता होता था कि फलां बंदा बेड पे है, बिस्तर पे है, वो उठ नहीं सकता। और लेकिन अब बहुत ही मुश्किल होया पड़ा है लोगों के लिए सारा सारा काम, मुझे लगता है कि लोग बड़े परेशान हैं। थैंक यू।